हाय गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा और दोबारा आपका स्वागत है मेरे स्टार्टअप आरंभ सीरीज के सेकंड एपिसोड के अंदर। तो फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने बात करी आइडिया के बारे में, आइडिया जिसके बारे में मैं आपको फिर से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि पता है कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ सोचते हैं कि भाई हमको ये करना है, हमारा एक विजन होता है, एक आगे एक लंबा थॉट प्रोसेस बनता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को हम बोल देते हैं एग्जीक्यूशन। लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए ना एक प्रॉपर आइडिया, उसको लिए एक थॉट प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक फोन है, आपको स्विमिंग पूल में उसके अंदर वीडियो बनानी है, पर आपका फोन वाटरप्रूफ नहीं है, पर आपके पास आइडिया है कि अगर ये वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगा स्विमिंग पूल के अंदर तो इतनी कूल लगेगी, ये इतनी वायरल जाएगी, लोग मेरे को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप क्या करें, आप सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो प्लान लगाना पड़ेगा। तब आता है आपका थॉट प्रोसेस। आप क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि यार मैं एक वाटरप्रूफ कवर ले लेता हूं, लेकिन नहीं, वो कवर तो 400 रुपए का है। फिर आप सोचते हैं कि यार मैं एक प्लास्टिक के बैग में उसको डाल लेता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके अंदर हवा बढ़ जाएगी और ना ही आप स्क्रीन को टच कर पाएंगे। फिर आप क्या सोचते हैं, हाल ही में ही ना मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर दिखाया गया था कि भाई कुछ एक्सपेंडेबल ऐसे रबर्स होते हैं जिनसे कॉन्डम्स भी बनते हैं, जिनको आप फोन को जिनसे कवर कर सकते हैं और फोन आपका वाटरप्रूफ भी हो जाएगा, साथ ही साथ में स्क्रीन भी टच रहेगी आपकी। तो ये थॉट प्रोसेस आपने डेवलप किया अपने उस आइडिया को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए और उससे आपको मिलेगी सक्सेस। तो आपने कोई आइडिया सोचा कि हाँ आपको एक स्टार्टअप चालू करना है, आपको एक ऐसा स्केलेबल बिजनेस डेवलप करना है, आपको कोई ऐसी बड़ी चीज करनी है जिससे आपका दुनिया में नाम हो, दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस आइडिया को पेन और पेपर से रियलिटी में लेके आने के लिए पहला स्टेप लेना पड़ेगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप लोगों से एडवाइसेस लेंगे। एडवाइसेस इसलिए नहीं कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये आइडिया फेल होगा ये आइडिया सक्सेस होगा, ना ही ये इस चीज के लिए आप एडवाइसेस लेंगे कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। पर मैं आपको बता देता हूं, आपको जिसके बारे में लोगों से बात करनी है ना, वो ये है मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बात करनी है। जैसे कि मान लीजिए कल को मेरे को एक ऐप डेवलप करनी है जिससे मेरे को बेसिकली जहां पे पानी की शॉर्टेज हो वहां का नोटिफिकेशंस जाए, तो आपको लोगों से डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है कि क्या आपके यहाँ पे पानी पूरे टाइम आता है, अगर आता है तो कैसे टाइप का पानी आता है, अगर नहीं आता है तो कब कब नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, आप कंप्लेन कहाँ पे करते हैं, आप उसके रिड्रेसल के लिए कहाँ पे जाते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस आपने बनाई, इससे क्या होता है कि आपके पास जब कोई आइडिया आता है तो आप सोचते हो कि ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, आप उसके लिए पूरी मेहनत करते हो, पर आप उसके लिए मेहनत करते हो सीधी लाइन में, जिसके कारण आपको जो साइड में पैरेलल में प्रॉब्लम्स होती है ना वो नजर नहीं आती है, कॉन्सिक्वेंसेस नजर नहीं आते हैं, जिसके कारण से आपका जो गोल है वो आपसे दूर जाता जाता है और कई बार तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने इकोसिस्टम से बाहर निकलने के लिए, दुनिया का एक एडवाइस लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए लोगों से बात करनी पड़ेगी, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब ये हो गया आपने पेपर पे चीजें बना ली, अब आपको इसके बारे में सोचना होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू खाली इसलिए नहीं कि जो आप कमाएंगे, बट रेवेन्यू नॉट टू मेक प्रॉफिट्स, रेवेन्यू टू बी सस्टेनेबल, अपने बिजनेस को कुछ समय तक जिंदा रखने के लिए रेवेन्यू कैसे लेके आएंगे आप। और ऐसा तो है नहीं कि आज आपने दुकान खोली और कल से आपको पास प्रॉफिट आने लग गया, पर सच्चाई तो यह है कि पेशेंस इज द की टू मेक अ स्टार्टअप सक्सेसफुल। लेकिन उस पेशेंस में आपको जिंदा तो रहना पड़ेगा ना, खाना तो खाना पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा, इधर उधर जाने के लिए भी पैसा चाहिए, रहने के लिए भी पैसा चाहिए, तो आपको रेवेन्यू जनरेशन पे ध्यान देना है। पर कोई भी आपको पहले दिन पे तो पैसा देने का नहीं रेवेन्यू के नाम पे, तो आपको क्या सोचना है कि आप कैसे मिनिमम कॉस्ट कटिंग में कि अपनी जेब से ही 5,000 रुपए लगाएं, लेकिन उसमें से भी आप खाली 4,000 खर्च करें, बाकी के 1,000 आप अगले महीने में कैरी ऑन कर दीजिए। तो इस रेवेन्यू पे आपको सोचना है, जिसके बारे में हम आगे जब टेक्निकल बात करेंगे, जब हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, फंड रेजिंग की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, साथ साथ में आपका क्यूपेक्स की बात करेंगे, ओपेक्स की बात करेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात थॉट प्रोसेस के अंदर ये रह गई कि अगर आपका बिजनेस एक स्केलेबल मॉडल की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे कि पहले खाली 4 लोग उस बिजनेस के पार्ट थे, पर कुछ दिनों के बाद वो 6 हुए, फिर 8 हुए, फिर 10 हुए, तो आप उसकी हैंडलिंग कैसे करेंगे, आप पर्सन ऑफ कॉन्टेक्ट POC कैसे बनाएंगे, आप SOPs कैसे क्रिएट करेंगे, आपको क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए होंगे, कहाँ कहाँ से परमिशन चाहिए होंगी, ये हो गया। अब आती है बात
आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की या फिर आपके स्टार्टअप के कंप्लायंसेस को मैंडेट करने की, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नेट पे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप किसी स्टार्टअप गुरु के पास जाइए या फिर आप किसी एंजल इन्वेस्टर के पास में जाइए या फिर कंसल्टेंसी फर्म के पास जाके 1-2 लाख रुपए दीजिए और अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए आइडिया लीजिए, क्योंकि आइडिया तो आपका है और एट द एंड ऑफ द डे आपको मालूम होगा कि कैसे आपको उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। पर ये सारी प्रोसेसेस आपको देखनी पड़ेंगी और ये सारा थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको 3 चीजें चाहिए, एक बहुत अच्छे से सोचने का तरीका, वाइड एंगल अप्रोच, दूसरा पेशेंस और तीसरा है कंसिस्टेंसी। आज रिजल्ट्स नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल काम नहीं करेंगे, और अगर कल आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे की जिंदगी आपकी आराम से चलेगी। बिजनेस इज ऑल अबाउट फाइटिंग एंड स्ट्रगल्स। तो शायद आपको मेरे दूसरे एपिसोड से कुछ अच्छी चीजें मिली होंगी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे तीसरे एपिसोड से। थैंक यू।